हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल करियर पॉइंट फॉर यू। और आज के इस वीडियो में हम आपके लिए दो कंपनियों से चार अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं, ठीक है। और ये चारों अपॉर्चुनिटी वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू नहीं है ना, तो आपको पता होगा कैपजेमिनी वाली हायरिंग मैंने 2 महीने पहले भी कवर की थी, जिसमें नेटवर्किंग की प्रोफाइल थी, सैप की प्रोफाइल थी और MM की प्रोफाइल थी, ठीक है। और ये इस बार भी यही तीनों प्रोफाइल्स हैं, ठीक है। और HCL का आई थिंक ये डेवलपर की प्रोफाइल है, तो तीनों। और ये अगर आप सैलरी पैकेज पूछोगे तो सैलरी पैकेज आप बोलोगे यार 6 LPA तो होता नहीं। सैलरी पैकेज 6 LPA इसलिए है क्योंकि HCL में ना 0 से लेकर 3 ईयर एक्सपीरियंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, इसीलिए मैंने 6+ LPA मेंशन किया, ठीक है। तो चलो फिर वन बाय वन सारी अपॉर्चुनिटी डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले, तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाए। बाकी यार आवाज का ना थोड़ा इशू है क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही बाहर, और जब भी मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, इससे पहले मैंने ट्राई किया फिर भी, क्योंकि आज कल लगातार 2-3 दिनों से बारिश कंटिन्यू हो रही है, तो समझ सकते हो बैकग्राउंड पर आवाज वैसे भी हमारे वीडियो में आती रहती है, ठीक है। तो इतना तो आप समझ सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा एक चैनल। दूसरा चैनल हमारा जर्नी ऑफ इंजीनियर, जहां पर मैं मोस्टली इंफोसिस रिलेटेड वीडियो ही डालता हूं, जहां पे आप देख सकते हो लास्ट वीडियो मेरी सैलरी के ऊपर है, जो अभी रिसेंटली 29 जुलाई को मिली है, ठीक है। तो आप जाके एक बार देख सकते हो, आपको भी पता लग जाएगा, ठीक है। तो चलो अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे। तो पहले अगर हम बात करें तो HCL की बात कर लेते हैं, जिसका जो प्रोफाइल होने वाला है सीनियर एनालिस्ट का। तो सीनियर एनालिस्ट अगर आप हमारे चैनल पे रेगुलर सब्सक्राइबर हो गए, तो आपको पता होगा जब भी मैं एनालिस्ट की बात करता हूं, तो आपको ये दो चीजें मैं हमेशा बोलता हूं, MS ऑफिस की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, और कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। बाकी यहां मेंशन नहीं है, पर मैं आपको कह रहा हूं कि इन चीजों के ऊपर अगर आपकी पकड़ है, तो वो चीजें आप अपने रेज्यूमे में मेंशन करिए, उसके बाद अप्लाई करिए, ठीक है। और अगली अपॉर्चुनिटी, जो तीन अपॉर्चुनिटी है, यहां आप देख सकते हो नेटवर्क इंजीनियर 1, देन आपका सैप MM जुलाई बेंगलोर 2, देन आपका सैप SD, ठीक है। तो तीनों सैप की तरफ से डिफरेंट प्रोफाइल के लिए, ठीक है। सैलरी पैकेज आपका 3 से स्टार्ट होके 4 तक जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नेटवर्किंग वाली। तो नेटवर्किंग की अगर बात करें 100 ओपनिंग है, ठीक है, और इसमें अप्लाई कौन कर सकता है, बीई बीटेक वाले कोई भी स्पेशलाइजेशन के साथ, और MCA भी कोई भी स्पेशलाइजेशन के साथ, ठीक है। और यहाँ पर ज्यादा कुछ चीजें मेंशन नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल मांगी गई है, और बाकी चीजें आप पढ़ लेना, ठीक है। और आप बात करते हैं सैप MM वाली, और इसकी 30 ओपनिंग्स है, और इसके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, टीम प्लेयर, विलिंग टू लर्न, ढिमकाना, ठीक है। और क्या है यहाँ पे जो आपके जानने लायक चीजें हैं, तो ये देख सकते हो कौन कितने एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, और बाकी सी चीजें आप पढ़ लेना, ठीक है। और इसमें अप्लाई कौन कौन कर सकता है ये भी देख लेते हैं। तो इसमें भी बी बीटेक वाले, बट प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, कंप्यूटर साइंस वाले बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो अगली अपॉर्चुनिटी है SP SD जुलाई, और ये 60 अपॉर्चुनिटी है, और इसमें अप्लाई कर सकते हैं बी बीटेक एनी स्पेशलाइजेशन, ठीक है। ये MM वाली है, ये नेटवर्किंग वाली है, ठीक है। तो सभी अपॉर्चुनिटी बहुत ही अच्छी है, सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। तो किसी में भी अगर आप एलिजिबल होते हो तो अप्लाई करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।